जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में नए साल के रूप में मनाए जाने वाले हालडा उत्सव का आगाज हो गया है। इसी के साथ अब अलग अलग घाटियों में अलग अलग तिथियों को हालडा उत्सव मनाया जाएगा। हालडा उत्सव लाहौल स्पीति का एक प्रमुख त्योहार है। इस दौरान घाटी के लोग बुरी प्रेत आत्माओं को मशाल और जुलूस निकालकर भगाने की कोशिश करते हैं, जिसमें सभी मशाल वाले हालडा हो बोलकर शोर मचाकर इस पर्व को मनाते हैं। बदलते हुए समय के असर से लाहौल भी अछूता नहीं रहा। लाहौल के काफी बड़े हिस्से में नगाड़ा बजाने की परंपरा प्राय विलुप्त हो चुकी है, लेकिन ढोल आदि बजाकर इसकी पूर्ति की जा रही है। और हालडा दहन के पूर्व निर्धारित स्थान पर जाकर सभी अपनी अपनी जलती मशालों को ढेर के रूप में एकत्रित कर देते हैं और पुरुष उसके चारों ओर खड़े हो जाते हैं, जबकि लड़कियां अपनी मशाल अलग से ढेर के रूप में एकत्रित कर देती हैं तथा वे भी उसके चारों ओर खड़ी हो जाती हैं। गाहर घाटी में हालडा रीति रिवाज के साथ मनाया जाता है। लोग मशाले जलाकर अधिष्ठ देव की पूजा करते हैं। जिस प्रकार गाहर घाटी में सिस्कर आपा की स्थापना की जाती है, उसी प्रकार चंद्रभागा घाटी में हालडा के दिनी बराजा की स्थापना की जाती है और इसका पूजन फाल्गी के पर्व तक चलता रहता है। इसके लिए घर के सर्दियों वाले कमरे में एक कोने को चौकोर लीप पोत कर साफ कर लिया जाता है और इसके बाद घर की भित्ति पर सत्तू से बनी हुई सिस्कर आपा की प्रतिमा का पूजन शुरू हो जाता है। सूर्य समाचार के लिए लाहौल स्पीति से प्रेम लाल की रिपोर्ट।